संगरूर के धूरी में कल एक निजी स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल के ही बस कंडक्टर की ओर से बलात्कार करने का मामला सामने आया था, जिसमें बच्ची का मेडिकल करवाने के बाद बलात्कार की पुष्टि हो चुकी थी। लोगों के जबरदस्त विरोध के चलते धूरी के पुलिस थाने का घेराव किया गया, जहां दोषी के साथ साथ पूरी स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात हो रही थी। लेकिन पुलिस ने कल बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और स्कूल मैनेजमेंट के किसी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जिसके चलते आज फिर धूरी में पुलिस थाने के आगे जमकर प्रदर्शन किया गया, जहां प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। वहीं धूरी के विधायक दलबीर सिंह गोल्डी के खिलाफ भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों ने पुलिस थाने के अंदर घुसने की कोशिश की और इतना दबाव बनता देख पुलिस ने स्कूल मैनेजमेंट के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें स्कूल प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया गया है। लोगों की मांग है कि जितने भी लोग स्कूल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, सभी गिरफ्तार किए जाएं। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि बच्ची के साथ हुए बलात्कार मामले में उन्होंने मुख्य आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया था, जबकि स्कूल मैनेजमेंट के 4 लोगों को आज गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें स्कूल की प्रिंसिपल शामिल है और जो दूसरे लोग हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आजाद टीवी न्यूज के लिए धूरी से हर्ष कौशिक की रिपोर्ट। असी जरा इस मसले के उत्ते जी इतने बच्ची के नाल बलात्कार होया, ये साड़िया कुछ मुख्य डिमांड सगिया, जिदे भी दोषी नू गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक अदालत के राही उन्हों फांसी की सज़ा दी जाए। दूजी साड़ी मंग हैगी आ कि जड़े अजिहे स्कूल ने जी एक खास तरह की एजुकेशन जरा प्रमोट करते हैं, इन्हों स्कूलों जरा सरकारीकरण करना चाहिए, गवर्नमेंट में अपने अंडर लेना चाहिए। आ तीजा जरा इंफ्रास्ट्रक्चर आ स्कूलों के, जिमें कोई ड्राइवर रखते कोई कंडक्टर रखते है, उन्होंने जरा बिल्कुल रिकॉर्ड भी चैक होना चाहिए आ, तो इस तो बिना स्कूल के अंदर उन्होंने सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए हैगा आ, तो ये साड़िया जड़िया ने ये मेन डिमांड है। हाँ जी, यदा कारण यह आज कि कल जो सारे लोग असं इकट्ठे हुए थे तो वो पुलिस ने एक रखा कि असी मैनेजमेंट से प्लस वो दोषी के उत्ते जरा परचा दर्ज कर लिया, पर जदों देख लोगों को पता लग्या कि मैनेजमेंट को ये तो बाहर कढ़िया जा रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट की पुष्ट बनाई बिल्कुल क्लीयर रूप से की जा रही है, पर हुण लोग रोह दे अगे जिहड़ा आ झुक के पुलिस ने मैनेजमेंट के जिहड़े आ उन्ते परचा दर्ज किया आ, ते 2 बंदिआं नूं गिरफ्तार कर लिया, 2 जिहड़े आ होर उह कहिंदे असीं गिरफ्तार करांगे, ते जिन्नी देर तक गिरफ्तारी नहीं हुंदी उन्नी देर तक असीं इत्थे बैठे होए आ। इक जिहड़ी गल आ कि इक सोच आ कुड़ियां दे प्रति, उह सानूं हर किते जिहड़ी देखण नूं मिल रही आ कि औरत विरोधी सोच आ, जिहदे विच समझिआ जांदा कि इह औरतां नूं असीं जिवें मर्जी मतलब वस्तुआं नेगियां, चाहे उह निक्कियां निक्कियां कुड़ियां नेगियां, उन्हां नाल जिहड़े रेप हो रहे ने यह कोई नवी घटना नहीं हैगी, ये आए दिन जिहड़े इन्हां घटनावां च वाधा हो रहा, तो ये ते कोई भी पार्टियां जिहड़ियां जां कोई भी सरकार आ जिहड़ी वह कोई कानून नहीं लैके आ रही। इस करके असी मंग करदे आ कि इन्हां समस्यां नूं लैके जल्दी तो जल्दी जिहड़ी फास्ट ट्रैक बनाईआं गईआं ने उह नामदेह ही ना रहण सिर्फ कि हाँ असी चलातीआं, पर उन्हां राही किन्ना कि इंसाफ मिल रहा यह देखण दा सवाल आ। असी 2 दिनां दे बैठे आ उरे, पर हजे तक है जिहड़ा मैनेजमेंट है जिहड़ी वह काबू नहीं करी जा रही, वह कहिंदे कि असी लगे हुए आ, पर जो इन्ना मतलब तकनीक विकसित हो चुकी आ कि यह लोकेशन पता करके एक प्रिंसीपल नूं नहीं मतलब लभ सकदे, ये सारे बहाने आ, इस करके इन्हां दी शायद ते सारा कुछ हो रहा, और असी उदों तक लड़ांगे जदों तक जिहड़ा उस बंदे नूं फांसी ते नहीं लटकाया जांदा। तीन बंदे होर समेत प्रिंसीपल मैनेजमेंट फड़े जा चुके आ, उन्होंने अजे पूछगिछ चल रही आ, उन्होंने पोस्को एक्ट सैक्शन 21 का वादा किया गया सी, क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी बनती सी, जो उन्होंने पता लग्या सीगा बच्ची ना बलात्कार होया वो पुलिस नूं दस्सदा, उन्होंने पुलिस नूं दस्सण की बजाय आप दबाउण की कोशिश की, इस करके मैनेजमेंट के भी खिलाफ परचा दर्ज किया गया। मैनेजमेंट अं फड़ रहे हैं भी लोग भजे हुए आ कि उन्होंने अरैसट कर रहे हैं कि जे 10-12 बंदे घर ताले लगे हुए हैं, इन्हों यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सानू दसो कितने बैठे अं फड़न तैयार हैं। टोटल मैनेजमेंट कि 10 के करीब है।